लेकिन हमारी सिर्फ ये गुजारिश है कि जो रामगिरी महाराज ने जो गलत बोला है हमारे नबी के बारे में, उनके खिलाफ FIR होना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इसीलिए आज हमने ये सब कई संस्थाएं हैं, सबने मिलकर आपको ज्ञापन दिया है, आप हमारी इस बात को आगे तक पहुंचाएं और हमारी यहां पर उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, ये हम चाहते हैं बस, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। FIR दर्ज हुए पूरे देश में, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई बिल्कुल। उनके चाहते हैं कभी गंगा जमनी तहजीब बनी रहे, ठीक है, जब हम चाहते हैं तो फिर वो क्यों नहीं चाहते। रिक्वेस्ट रहेगी कि आवाज हमारी ऊपर तक पहुंच जाए और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी। हम अमन चाहते हैं, हम अमन पसंद लोग हैं और हम चाहते हैं देश में अमन बना रहे। अभी तक किसी कोई कानूनी कार्रवाई हुई नहीं है उनके खिलाफ, वो खुलेआम ये कह रहे हैं कि ठीक है आप कर लो, आपके पास कानून है आप कार्रवाई करो। उनको उनको पता है कि शायद हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी, या हुकूमत नहीं चाहती या जो भी है, इसलिए हम गुजारिश कर रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई जो चाहता है वो उठा के जो है कानून नहीं बनाया ठोस, इसके ज्ञापन देने आए हैं। कोई हमने नारेबाजी नहीं की, भारत सरकार ने कानून इस पर ठोस बनाया थी, कभी कभी भी कोई भी गुस्ताखी किसी मजहब भारत नहीं, और ये बात नहीं आए दिन गुस्ताखी हो रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उनके नबी की शान गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं किया, लड़ने मिटने के लिए तैयार हो जाएगा मुसलमान। सर ज्ञापन दिया है हमने, दरगाह नागौरी रहमतुल्लाह अलैह का ज्ञापन है, उसके ये सदर हैं और सदर के साथ में तमाम जो देश के मुसलमान हैं उनसे जुड़े हुए हैं। ये आए दिन एक तबके के लोग जो है ये वहाँ पे परेशान करते हैं, एक पौधा लगाते हैं तो भी ये कंटेम करते हैं और शिकायत करते हैं। हम खामोश, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं, और आपको भी कितनी बार ज्ञापन दिया, आपसे पहले भी जो है मौजूद थे उनको भी हमने कई बार ज्ञापन दिया, लेकिन अब तक कोई सिंगल कार्रवाई नहीं हुई। एक हसरे पेशते हैं और हम अगर कोई विकास कार्य करना चाहते हैं तो वहाँ हमें रोड परेशान किया जाता है।